आप लोग देख सकते हो कितना क्राउड है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आके जो महालिंगेश्वर मंदिर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि जिल्लुंडा करके छोटा सा गांव वहाँ पे है। एंड अब यहाँ पे हमको बाबूला भाई मिल गए, वो हमारे गांव का ही दोस्त है, यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे उन लोग का खाना वाना बन रहा है, पूजा चल रहा है। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जो महालिंगेश्वर मंदिर है वो एक्चुअली पानी के अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो बोलते हैं ना, अगर पानी आप निकल दो महालिंगेश्वर भगवान को देख सकते हो, वरना आपको जब जाओगे बेलपत्र फूल ही दिखेगा। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मंदिर के अंदर है। चलो अभी हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं, और ये भगवान का मेन एंट्री गेट है। जो फ्रंट पे दिख रहा है ये महालिंगेश्वर का मंदिर है, और यहाँ पे सब लोग खाना वाना बनाते हैं एकदम मस्त आके। आप देख सकते हो चारों तरफ एकदम पूरा फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप फैमिली के साथ आके यहाँ पे भगवान का प्रसाद खाना वाना बना के आराम से खा के जा सकते हो। बहुत पुरातन मंदिर है जो आठवें महाराज को बनाए थे। एंड ये जो अक्षर समझ आता है, जो कि चार नंबर पर आता है, यहाँ पे आते हैं। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। मेरा दिख रहा है जो गुफा है उसके अंदर भगवान रहते हैं, पूरा नीचे है और आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर पानी के अंदर भगवान है ऐसे बोले, तो बाहरी पूजा किया जाता है। आप लोग देख सकते हो मंदिर ऊपर बहुत कम है, क्योंकि नीचे भी मंदिर है। और यहाँ से ऐसे बोलते हैं कि जो मंदिर है भगवान पानी के अंदर है, और पानी निकाल जाए तो भगवान को देख सकते हो, इसलिए बाहरी पूजा किया जाता है ज़्यादातर। ओके, माँ पार्वती का मंदिर है। अभी मंदिर देखो कि थोड़ा ऊपर है और बाकी नीचे है, क्योंकि भगवान बहुत नीचे रहते हैं और ऊपर दिखाई देता है। अगर आप आओगे तो ऐसे बोलते हैं कि जब खाली दिन रहता है तो भगवान का पानी निकाल के फिर भगवान का पूजा करते हैं। अभी तो पूजा करते हैं, बट पानी के अंदर भगवान है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रसाद सेवन चल रहा है। आप देखो कितना क्राउड है आज। तो फाइनल हम लोग महालिंगेश्वर मंदिर घूम चुके हैं, और आज बहुत क्राउड है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे दूर है थोड़ा, गोलेश्वर करके हम लोग, मुक्तेश्वर महादेव है, तो वहाँ पे जाएंगे, फिर मुक्तेश्वर महादेव को दर्शन करके फिर और एक मंदिर जाएंगे। चलो तब तक वीडियो में बने रहे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।